चलो आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक रोटेशनल मोशन में प्योर रोटेट। देखिए कैसे पढ़ते हैं प्योर लिंग क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्योर लिंग होता क्या, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ये मान लो ग्राउंड है, इस पे रोल करते हुए एक बॉडी रखी मैंने जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड लीनियर वेलोसिटी वी है, यानी सेंटर मास की स्पीड वी है। अगर इसको अपन देखें, इसका एनालिसिस करें, तुम देखो अगर इस पॉइंट की स्पीड भी है, इस पॉइंट की स्पीड भी वी होगी, इस पॉइंट की स्पीड भी वी होगी, और ये ओमेगा से ऐसे घूमना चाहता है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ओमेगा किधर जाना चाहता है, इधर की तरफ। तो इस पॉइंट पे स्पीड ओमेगा की वजह से कितनी होगी, आर ओमेगा। इस पॉइंट पे इधर की तरफ घूम के इधर की तरफ आना चाहता है तो ओमेगा आर ओमेगा इधर की तरफ, इस पॉइंट पे नीचे वाले पॉइंट पे पीछे जाना चाहता है तो ये आर ओमेगा, समझ लीजिए। और इस पॉइंट पे आर ओमेगा अभी इधर की तरफ, क्लियर है? इस तरह होगा। अगर आपने प्योर रोलिंग बनानी है, प्योर रोलिंग करानी है, तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, ध्यान रखें कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है क्या होता है, इस बॉडी का वर्कन पॉइंट और ग्राउंड जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होती है उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो तुम देखो इस बॉटम पॉइंट की स्पीड कितनी है, इस पॉइंट पे वी माइनस आर ओमेगा, वी माइनस आर ओमेगा, और ग्राउंड की स्पीड कितनी है, जीरो। ये ग्राउंड थोड़ी चल रहा है और इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, वी माइनस आर ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी नेट स्पीड वी इक्वल टू कितना हुआ, आर ओमेगा। समझ आई चीज़ें, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो जब जब बॉडी ग्राउंड पे रखी हो तो प्योर रोलिंग के लिए केस होता है वी इक्वल टू आर ओमेगा, क्लियर है? हर बार वी इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होता, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो टॉप पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, वी और आर ओमेगा बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब टॉप पॉइंट की स्पीड हो चुकी होगी टू वी। सेंट्रल मास की स्पीड वी रहेगी और बॉटम पॉइंट की स्पीड कितनी हो चुकी होगी, जीरो, यानी बॉटम पॉइंट हमें एट ए रेस्ट लगेगा। समझ आई चीजें, क्लियर है? कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, कॉन्टेक्ट पॉइंट की स्पीड या रिलेटिव स्पीड जीरो होनी चाहिए। चलो देखें, जैसे ये कोई ब्लैंक है जिसकी स्पीड कितनी है, मान लेते हैं वी है, यहाँ से मान लेते हैं थ्री वी है, और इस पर एक बॉडी रखी हुई है जो कि ओमेगा से इधर घूम रही है और वी से इधर चल रही है, तो आपको बताना है वी और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा अगर बॉडी प्योर रोलिंग करें और ये प्लेन ग्राउंड पे रखा गया है। अगर ये सिस्टम प्योर रोलिंग कर रहा है तो हमें वी और ओमेगा में रिलेशन बताना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए, जीरो। तुम देखो कि इसका एपिटिकल इसका बॉडी पे स्पीड बना है, इसकी स्पीड वी और इधर की तरफ कितना आर ओमेगा, समझ आए? और प्लैंक की इधर की तरफ स्पीड कितनी है, क्या लिखेंगे, प्लैंक की स्पीड बराबर इसकी नेट स्पीड वी माइनस आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इस वस्तु कितना आ गया माइनस का टू, समझ आए? क्लियर, आर ओमेगा इस वस्तु माइनस टू वी, माइनस का शो कर रहा है डायरेक्शन उल्टी होगी, यानी इसको इधर घूमना पड़ेगा, क्लियर हुई चीजें, क्लियर है? इसी तरह एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये मान प्लैंक है, ये बीच में सर्कुलर बॉडी और ये भी प्लैंक है, इसकी स्पीड इधर की तरफ मान लेते हैं थ्री वी